दोस्तों, बड़े बड़े उस्ताद आप लोगों को क्यों कहते हैं कि कबूतर का जब जोड़ा लगाए तो आप 100% गुण मैच कर ले उनके। नाखून से लेकर उनकी आंखों तक, परों से लेकर उनकी हड्डी जोड़ तक, सभी उनके गुण मैच कर लें। तो उसका मैं आपको सामने प्रूफ भी दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों बोलते हैं और उससे क्या फर्क पड़ता है आने वाली उनकी नस्लों पे। आपके सामने ये जो जोड़ा दिख रहा है, लाल कबूतर और ये लाल कबूतरी, जो दोनों पाँव मोच हैं लॉन्ग बूट वाले। अब ये कबूतरी की आँख भाई दूर से तो नहीं दिखेगी, मगर आप देख सकते हैं तो देख ले, मैं जूम करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है भाई, इसमें कलर सेम है, पाँव मोच वगैरह सब सेम है, ये चोटियाँ हैं और कबूतर की ये आँख देख ले। ठीक है भाई, हल्की मोतियन टाइप की है और कबूतरी जर्सी टाइप की है। ठीक है, बस इनमें दोनों में एक यही मिस्टेक है कि इनकी आँख का कलर सेम नहीं है। ये देखिए, ये कबूतरी की आँख देखिए, कबूतर से थोड़ी अलग है, जर्सी टाइप की है। तो भाई, इस कबूतर और कबूतरी में सिर्फ एक ही चीज़ नहीं मैच कर रही है और उसको बोलते हैं उनकी आँख। अब इनकी आँख का क्या फ़र्क पड़ेगा, आप सोचोगे, कलर भी सेम है। ये देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी वही कलर है, इसमें भी यही कलर है, दोनों का कलर सेम है। पाँव में लॉन्ग बूट है, कोई दिक्कत नहीं है। चोटियाँ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चोटियाँ ने एक बच्चा निकलेगा और वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई, इनमें फ़र्क क्या पड़ता है, कलर तो सेम है ना। ये देखिए, वो उधर देखिए जो पर झाड़ रहा है, वो पर हिला रहा है, वो जो बच्चा है वो लाल निकला, ये सेम इनके कलर पे। और उसकी साइड में ये चोटियाँ, ये काली जो थोड़ी तांबड़ी सी दिख रही है, ठीक है भाई, वो ये चोटियाँ। अब ये बच्चा अलग निकला, तो जब नर और मादिन ये दोनों साथ में चुग रहे हैं, नर और मादिन का कलर सेम टू सेम है। देखिए भाई, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इनकी आँख का थोड़ा सा मैटर है, बाकी कलर आप देख सकते हैं, दोनों साथ में हैं, आपके सामने चुग रहे हैं। कहीं से कहीं तक उनकी पूंछ से ले करके आगे पांव तक कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बच्चे देखो ऐसे निकाले, ये देखो, ये लखे के पीछे एक बच्चा, ये रहा एक बच्चा, ये रहा। तो इनका कलर चेंज क्यों हो जाता है भाई, यही चीज़ें होती है जब हम इनकी आँखों के कलर, नाखूनों के कलर, चोंच के कलर, इन कलर पे ध्यान नहीं देते तो इनकी नस्लों में, आने वाली नस्लों में फ़र्क पड़ जाता है। अब आपको मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। सिर्फ़ और सिर्फ कबूतर की आँख और कबूतर की चोंच के कारण ऐसा होता है, क्योंकि ये 110% गुण नहीं मिलाओगे तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि आप अपने कबूतर में देख सकते हैं, वो कबूतर की चोंच हल्की ब्लैक कलर पे है, हल्की ब्लैक कलर पे, और जो कबूतरी है उसकी चोंच बिल्कुल उसके कलर से मैच कर रही है, रेड कलर की चोंच है उसकी। और यही कारण है उनकी आँखों का और उनकी चोंच का अलग अलग होना ही कबूतरों में कलर चेंज कर देता है। अब ये एक बच्चा ये रहा अपनी उंगली के सामने, एक बच्चा वो रहा अपनी उंगली के सामने, दोनों के कलर चेंज है। तो मैं आपको उनकी चोंच के कलर दिखा दूं, ठीक है। ये देखिए भाई, कबूतर की चोंच का कलर देखिए, ये जूम करके दिखा दूं, कबूतर की कलर का काला सा, कबूतर की चोंच का काला कलर, और ये देखिए कबूतरी की चोंच का लाल कलर है, ठीक है। अब ये जो कलर है ना भाई, ये कहाँ कहाँ फिट बैठेगा, कहाँ से वो अलग हो जाएगा, ये देखिए। तो और ये कबूतरी की चोंच। तो भाई, ये चीज़ें आप बरोबर ध्यान दें, क्योंकि आपको इन्हीं चीज़ों से कबूतरों की नस्लों का आगे चल के फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। क्योंकि आपने कबूतरों का जोड़ा तो लगा दिया और कबूतरों का जोड़ा देख लिया आपने कि हाँ बिल्कुल पर वर सब ठीक है, कलर वलर सब ठीक है, बाकी उनका हर एक गुण नहीं मैच कर रहा है। अभी ये फैंसी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी अंदर भी इनके दो बच्चे हैं सेम ऐसे ही है, एक काले कलर पे है और एक लाल कलर पे है। तो इनका यही प्रॉब्लम रहेगा ज़िंदगी भर, क्योंकि इसकी चोंच काले कलर पे है, उसकी चोंच लाल कलर पे, कलर तो दोनों का सेम है, बाकी ये दिक्कत
यहीं से आती है। ठीक है भाई, तो आप जब भी जोड़ा लगाएं तो आपके कबूतरों के नाखून मैच कर लें, उनकी चोंच मैच कर लें, उनकी आंखें मैच कर लें, उनका कलर मैच कर लें, उसके बाद उनकी हड्डी जोड़ मैच कर लें, उनके पर कैसे हैं क्या है सब चीज़ें मैच करने के बाद आप जोड़ा लगाएं, तो आपका जो जोड़ा है बच्चे देगा 100% एक कलर का देगा, 100% प्योर देगा, प्योरिटी की गारंटी है भाई। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।